लेकिन माँ को मिनी की प्रेगनेंसी की खबर मिली कहाँ से? That is not important, तारुण. Fact is, माँ को पता चल गया है. मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर माँ ने तुमसे कोई सवाल क्यों नहीं किया. और अगर करे तो? तो तुम वही करना जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है. Just deny it, तारुण. कह देना कि खबर झूठी थी. लेकिन तारुण, लेकिन क्या? कहीं ये खबर लिपस्टिक में छप गई तो? You mean मिनी ने जगन दूसरा को सब कुछ बता दिया? तभी तो वो यहां आया था माँ को बताने के लिए. That bitch. Pregnant bitch, तारुण. और इस जगन दूसरा की हिम्मत तो देखो, सीधे घर आ गया माँ को बर्थडे विश करने के लिए, वो भी बुके लेके. You know, दी. Hey! Wait a minute. क्या कहा तुमने? तरुण, जब हमें माँ का बर्थडे याद नहीं रहा तो इस जगन दूसरा को कैसे याद रह गया? हा? तुम कहना क्या चाह रही हो दी? बात कुछ और है तरुण. You know, जिस तरह जगन माँ को देख रहा था, जिस तरह माँ उसके लुक को रिएक्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जगन माँ से कुछ कहना चाहता है और माँ वही बात छुपाने की कोशिश कर रही थी. यू नो तारुण, डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक करना, और हम अटैक करेंगे. हम माँ से पूछेंगे कि आखिर जगन से उनका रिश्ता है क्या. बेटा बैठो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है. जी मां, ये मिनी कौन है आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ. आपको क्या लगता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था? हाँ, आप भी तो इतने सालों से हमसे झूठी कहते आ रही हैं ना माँ. मैं? सच को छुपाना भी तो झूठी कहलाता है माँ. मैंने तुम दोनों से क्या सच्चाई छुपाई बेटा? जगन लूथरा. क्या ये सच नहीं है माँ कि आप और जगन उत्रा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए घर भी आया था? पापा के रहते हुए तो कभी नहीं आया माँ, ना ही उसे आपका बर्थडे याद रहा. इसका मतलब क्या है माँ? जगन लूथरा से आखिर आपका क्या रिश्ता है? जगन लूथरा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, ना कभी था और ना कभी होगा. ये सच है कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में जिसमें तुम्हारी सास भी पढ़ती थी. मेरी जान पहचान को वो मेरा प्यार समझ बैठा. बस यही रिश्ता है मेरा उसके साथ, और इस सच्चाई को ना तो मैंने कभी छुपाना ही जरूरी समझा और ना कभी बताना ही जरूरी समझा. आपका मतलब है मां, जगन लूथरा वॉज इन लव विथ यू? ये सच्चाई मुझे भी मेरी शादी के बाद ही पता चली, जब मेरी मां ने मुझे बताया कि जगन का रिश्ता लेकर उसकी मां हमारे यहां आई थी. लेकिन उन्हें दिनों तुम्हारे पापा के एक आर्टिकल ने यह जाहिर कर दिया कि जगन की मां के ताल्लुक किसी गैर मर्द के साथ थे,
नतीजा ये हुआ कि उसके पिताजी ने पहले अपनी पत्नी को मार डाला और फिर अपने आप को। यही बात जहर बनकर बस गई जगन की जिंदगी में, और इसीलिए तुम्हारे पापा के साथ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसने वह झूठा आर्टिकल अपनी मैगजीन में छाप दिया, जिसे पढ़कर तुम्हारे पापा यही सच्चाई है जिसे ना तो मैंने कभी तुम लोगों को बताया और ना कभी छुपाया, और ये सच तुम्हारे पापा भी जानते थे। I'm sorry, माँ। I'm really sorry. अब तुम मुझे बताओ तरुण, ये मिनी कौन है? मिनी माँ बस एक आध बार मिली है, वो जैस्मिन है ना, जैस्मिन उसी के यहाँ रहती है। जैस्मिन, तो मिनी के बारे में मुझे वहीं से ही पता चलेगा। तुम्हें कब अकल आएगी तारुण? दी तुम्हारे हिसाब से मेरा हर काम बेवकूफी का होता है ना? ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? तुमने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तारुण, तुम्हें माँ को मिनी के बारे में बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं उस माँ का बेटा हूँ दी, मेरा दिल उसके लिए धड़कता है। मैं पत्थर दिल नहीं हूं तुम्हारी तरह। मैं नहीं बर्दाश्त कर सका मैं माँ के आंसू। डैमिट इमोशनल हो गया, मैं भूल गया कि माँ क्यों पूछती है मिनी के बारे में। भूल गए तुम भूल गए? हाउ रिडिकुलस तारुण। लेकिन माँ तो नहीं भूली ना, वो नहीं भूली कि उन्हें मिनी के बारे में तुमसे पूछना है। तुम क्या समझते हो मुझे माँ से प्यार नहीं है? मुझे नहीं बुरा लगता जब मैं माँ से इस तरह बात करती हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है, और वो भी तुम्हारे लिए। और तुमने ही कह दिया सब कुछ। ती मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, वो जगन लूथरा की कहानी जब माँ जगन लूथरा की कहानी ने तो हमारी जिंदगी में एक और एक मुसीबत पैदा कर दी है। What do you mean by that, ती? जरा सोचो तरुण, कितनी बदनामी हो सकती है सिंघाने खानदान की। ती लेकिन माँ ने कोई रिश्ता नहीं रखा उस इंसान के साथ। His love was one-sided. और इसी वन साइडेड अफेयर के बारे में जब उस सुनीति वर्मा को पता चलेगा ना, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगी। माँ, माँ आई एम सॉरी, मुझे कल रात आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और भी ऐसी बातें हैं इस घर में जो नहीं होनी चाहिए थी। तरुण पर जो झूठा इल्जाम लगा है, आप उसके बारे में बात कर रही हैं, राइट? इल्जाम झूठा हो या सच्चा, इससे बड़ी अहमियत इस बात की है कि इल्जाम मेरे बेटे पर लगा है। लेकिन माँ, आप ये भी तो सोचिए, इल्जाम लगाया किसने? माँ, आप उस जगन लूथरा की बात पर विश्वास कर सकती हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बात पर ही विश्वास कर रही हूँ शीतल। तुम ही ने कहा था कि शादी से पहले मिनी तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ माँ, मैंने कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सारी साजिश उस मिनी की है। माँ, वो हमारे तरुण को फंसाकर रातों रात अमीर बनना चाहती है। तो तुम भी मिनी को जानती हो? हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस मिनी को, लेकिन मैं नहीं जानती। और आपको जाने की जरूरत भी नहीं है माँ। जरूरत है शीतल, जरूरत है, क्योंकि उससे मिलने के बाद ही मैं ये जान पाऊंगी कि मुझे क्या करना है। आप मिनी से मिलने जा रही हैं? हाँ माँ, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। माँ, आप नहीं जानती उस लड़की को।
वो अपने झूठे आंसुओं से आपकी सिंपति पाने की कोशिश करेगी, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। माँ वही तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखूं तो सही वो है क्या, मुझसे किस तरह से पेश आती है। मिनी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इस कंडीशन में ये भारी सामान लेके इधर उधर मत घुमा कर। तू ये सूटकेस, तू ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही है? ट्रेजेडी क्वीन सैक्रिफाइस करने जा रही है। सैक्रिफाइस मतलब त्याग? शट अप, मुझे पता है सैक्रिफाइस का मतलब त्याग होता है, मेरा मतलब ये क्या सैक्रिफाइस करने जा रही है? सब कुछ। मतलब? तरुण, तरुण ही तो मेरा सब कुछ है। अच्छा, और मैं और रूपाली तेरे कुछ भी नहीं? तुम दोनों से तो मुझे बहुत कुछ मिला है, और इसीलिए मैं तुम दोनों को दुख नहीं देना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी प्रेगनेंसी की वजह से तुम दोनों को एम्बेरस होना पड़े। अभी तक इतना भी नहीं जान पाई, दैट नथिंग एम्बेरसेस जैस्मिन। तू पागल हो गई है मिनी, मुझे इन सब बातों से कोई एम्बेरसमेंट नहीं फील होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। कि हाई सोसाइटी की झूठी चमक दमक मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती और तुझे भी नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, रोहिणी को पता चल चुका है कि तू उसके पोते की मां बनने वाली है। झूठी तसल्ली मत दो जैस्मिन, तरुण की मां ने क्या कर लिया ये जानकर कि मैं तरुण के बच्चे की मां बनने वाली हूं? उन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया कि वो मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इतनी निराश मत हो मिनी, अगर ये बच्चा ना होता ना मेरी कोख में, तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेती। मैं तो पूरी उम्मीद ही हार चुकी हूं। ऐसा मत बोल मिनी, प्लीज ऐसा मत बोल, क्योंकि ये तेरी हार नहीं होगी, मेरी हार होगी। देख देख, मैंने तुझे छोटी बहन समझा है, अपनी बेटी की तरह प्यार किया तुझे। तू ही तो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी तुम? वही जहां से मैं आई थी। और अपने माँ बाप लोगों से क्या कहोगे? जो अनाथ आश्रम में पलते हैं ना, उनके कोई घर वाले नहीं होते। जिस अनाथ आश्रम में मैं पली बड़ी, वही पलेगा मेरा बच्चा। तुम दोनों मुझसे मिलने आओगे ना? मैं जाने नहीं दूंगी इसे। जैस्मिन, जाने दे उसे, वरना बिना बताए चली जाएगी। ठीक, जा जा यहां से, जिंदगी भर तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, जा। मेरे बच्चे को भी देखने नहीं आओगी? कैसे आऊंगी तेरे बच्चे से मिलने? एड्रेस भी तो नहीं छोड़ा तूने। तुम्हारी डायरी में लिखा है मैंने, और ये जो हम कपड़े लेकर आए तेरे बच्चे के लिए, वो मैं और रूपाली पहनेंगे क्या? ध्यान रखना आप। हेलो जैस्मिन, मैं मिनी से मिलने आई हूँ। आपने बहुत देर कर दी मिसेस सिंघानिया मिनी से मिलने में। क्या मतलब? मतलब ये मिसेस सिंघानिया कि मिनी तरुण की जिंदगी से, आप सभी की जिंदगी से, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हमेशा के लिए? डरिए मत, आत्महत्या नहीं की उसने, कर भी नहीं सकती बेचारी। उसकी कोख में तरुण सिंघानिया का बच्चा जो पल रहा है। जैस्मिन, बहुत प्यार करती है वो तरुण से,
और अपने इसी प्यार की वजह से उसने इतनी बड़ी कुर्बानी भी दी है ताकि तरुण के खानदान को कोई दाग ना लग सके, आप लोगों को उसके कारण कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच ना आए, जब उसका बच्चा पैदा हो तो कोई ये ना जान सके कि वो तरुण सिंघानिया का बच्चा है। इसीलिए अपने नाजुक से कंधों पर अपने सपनों की अर्थी का बोझ उठाए वो यहां से हमेशा के लिए चली गई। इस किसी को इतनी देर क्यों लग रही है बैंक से कैश विड्रॉ करने में? एक्सक्यूज मी मैम, किसी कब से इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा, बैंक से पैसे ले आई? नहीं मैम। क्या, एक तो इतनी देर लगा दी और ऊपर से कह रही हो कि बैंक से पैसे भी नहीं लाई, क्यों? मैं क्या करती मैम, बैंक ने आपका चेक ही वापस कर दिया। मेरा चेक वापस कर दिया क्यों? बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका साइन नहीं चलेगा। मेरा साइन नहीं चलेगा? लेकिन मैंने तो उसी तरह साइन किया है जैसे हमेशा करती हूँ। हाँ मैम आई नो, लेकिन अब हमेशा की तरह आप जब चाहे जितने चाहे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकती दर्पण के अकाउंट से। What do you mean, Kishi? मैम मैं तो वही कह रही हूँ जो बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा। एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे बैंक मैनेजर ने? यही कि दर्पण के अकाउंट से अगर पैसे विड्रॉ करने हैं तो चेक्स पर सिर्फ रोहिणी मैडम के सिग्नेचर्स वैलिड हैं। व्हाट? यस मैम, एक्चुअली सर के वकील ने इंस्ट्रक्शंस दिए बैंक को। बाजी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है शीतल सिंघानिया, बहुत जल्द कुछ करना होगा।